मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे ना, तो उससे पहले कोई भी हिंदुस्तान में जन्म लेता था उसको शर्म आती थी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का विदेश की भूमि पर अपना दिया गया वक्तव्य शायद भूल गए हम लोग। जहां तक बात है कमलनाथ जी के वक्तव्य की, उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना का मिसहैंडलिंग हुआ है और जो मैसेज पूरे वर्ल्ड में गया है, उससे भारत का एक महान होने का मैसेज नहीं गया है और बदनाम हुआ है भारत। इसमें मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई चीज गलत है। क्या जो हालत आज हुए हैं देश के पिछले 2 महीने में, उससे विदेशों में भारत महान की छवि गई है? क्या आज जिस तरह से सरकार चल रही है वो महान वाली चल रही है? हिंदुस्तान की 2 लीडिंग मैगजीन्स ने फ्रंट पेज पे लिखा, मिसिंग गवर्नमेंट, फेल्ड गवर्नमेंट, फेल्ड सिस्टम। उन्हें मैगजीन्स के खिलाफ तो फिर केस कर देना चाहिए, उन्होंने तो पूरे देश को बदनाम कर दिया। मिसिंग गवर्नमेंट लिख दिया उन्होंने, इसका मतलब मोदी जी का इतना अपमान, देश का इतना अपमान। मुझे लगता है भाव को समझना चाहिए, सियासी स्कोर करने का टाइम नहीं है बीजेपी के लिए। ये क्या फ्रंट पेज पर ये नहीं छपी थी खबरें? क्या विदेशी मीडिया ने जो जो छापा उससे महानता आई हमारी? क्या चीन जब हमारी भूमि पर घुसकर बैठ गया, मोदी जी ने क्लीन चिट दी और उसके बाद कहा गया सर कि अभी वो हम सेनाएं कमलनाथ पीछे में हट ही रही रहते हैं ना, हैं? आप चीन कहाँ एक पहुंच मिनट, जाते नहीं हैं मैम, आप मैं लोग? तो सर अरे चीन मैम पे मैं बिल्कुल रहेंगे नहीं ना? पहुंच रहा हूं, ठीक है, मैं तो आप महानता आरोप की लगा बात दिए, कर रहा हूं उस ना। पर मैं जवाब दे लेती हूँ विश्वास सारंग जी। एक मिनट मैम, चित्रा जी, एक मिनट। क्या वो जब चीन हमारी देश में भूमि पर घुसा था, उससे हमारा देश महान हुआ था या बदनाम हुआ था? व्हाइट पेपर लेकर आइए, जिस तरह से गंगा का किनारा मुर्दों की बस्ती बन गया है और तमाम मीडिया में जो चल रहा था पूरे विश्व में, उससे हम महान बन गए थे क्या? वैक्सीन के वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वैक्सीन के भिखारी बना दिए इन्होंने। 100 से जहाज, ज्यादा जहाज बाहर से विदेश के छोटे छोटे देश सहायता देते घूम रहे हैं, तो ये बदनाम करने का काम नहीं था तो क्या था? आपने खुद इंडियन डबल म्यूटेंट अपने एफिडेविट में लिखा सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक उस व्यक्ति के ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। आपके मंत्री गो कोरोना गो, भाभी जी पापड़, और मंत्री अंताक्षरी खेल रहे थे और रामायण खेल रहे थे, और यहाँ पर ऑक्सीजन से लोग जो हैं बाहर फुटपाथ पर दम तोड़ रहे थे, ठीक है सर, अब उससे जवाब सुन महान हुए लीजिए, क्या? इकट्ठा बोलते जाएंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? विश्वास सारंग मैम जी वो कह रहे हैं कि महान आखिर देश को कैसे बताएं जब कोरोना से लड़ने में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई तो। देखिए, ये तो सीधी सीधी बात हो गई, चोरी और सीरा जोरी। मुझे तो अच्छा लगता कि आलोक शर्मा जी आज यहाँ आकर इस बात का खेद व्यक्त करते, माफी मांगते कि कमलनाथ जी ने गलत बात कही। मुझे इस बात का बहुत दुर्भाग्य है। मुझे लगता है इससे शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता कि कांग्रेस के नेता लगातार इस देश को बदनाम करने में लगे हैं। और मेरा स्पष्ट आरोप है, देखिए कांग्रेस का ये एजेंडा है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉरेन देश के स्क्रिप्टेड एजेंडे के माध्यम से चल रहा है। और इसीलिए तो बातें उठती हैं मीडिया के माध्यम से कि क्यों अंधेरी रात में राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाइना के अधिकारियों से मिलते हैं। इसीलिए तो बात निकली है कि निकलती है कि क्यों राजीव गांधी फाउंडेशन में फॉरेन का पैसा आता है। ये स्पष्ट है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो षड्यंत्र हिंदुस्तान के खिलाफ हो रहे हैं उसमें शामिल है। कमलनाथ जी का बयान ऐसे ही नहीं आ जाता, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। ये केवल इसलिए नहीं कहा जाता है कि कोरोना को लेकर वो चिंतित हैं, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि वो इस देश को बदनाम करना चाहते हैं। और जब आलोक शर्मा जी जैसे विद्वान प्रवक्ता इसका समर्थन करते हैं तो मुझे बहुत शर्म आती है। मैं तो ये मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता आएगा और वही कहेगा कि ये कमलनाथ का व्यक्तिगत बयान है, कमलनाथ जी ने गलत कहा है, कमलनाथ जी निश्चित रूप से इस पर माफी मांगे। पर इसमें कहीं कोई हमें संकोच नहीं लगता या हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, जो सालों तक एक परिवार की दहलीज पर नाक रगड़कर राजनीति करने वाले लोग इस देश का मान और सम्मान बढ़ाएंगे नहीं, मान और सम्मान घटाएंगे। इनके लिए हिंदुस्तान कौन है? इनके लिए हिंदुस्तान जवाहरलाल नेहरू है। इनके लिए भारत कौन है? इनके लिए भारत इंदिरा गांधी है। इनके लिए भारत सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। इनके लिए हिंदुस्तान का मान और सम्मान नहीं है, ये तो इटली का सोच हैं, इटली का बोलते हैं और इटली का खाते हैं। केवल और केवल हिंदुस्तान को बदनाम करना, हिंदुस्तान के मान और सम्मान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीचा दिखाना, यह कांग्रेस की परिपाटी हो गई है। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, आप हमें गाली दो, आप भारतीय जनता पार्टी को गाली दे दो, आप हमारे नेताओं को गाली दे दो, पर हिंदुस्तान को गाली मत दो। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को कि इस देश में जिस प्रकार से विघटन की राजनीति फैलाकर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
हिंदुस्तान का नाम बदनाम कर रहा है, ये बहुत ही दर्दनाक भी है, शर्मनाक भी है। और आज मुझे और ज़्यादा